Hello friends, welcome back to my channel Expert Studies. तो आज हम देखने जा रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स का एक सब पॉइंट जो कि है पेंशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आइए देखते हैं कि पेंशन होती क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व करे जाते हैं. पेंशन इज अ पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एज अ रिवॉर्ड फॉर द पास्ट सर्विस. तो जैसा कि आपको पता है कि पेंशन क्या, पेंशन एक पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को जब वो रिटायर हो जाता है, जब मतलब उसका जो पीरियड होता है अपनी किसी भी जॉब को सर्व करता है उसके बाद जब वो उस जॉब से रिटायर हो जाता है तब उसको एक पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद, जो कि उसने सर्विस दी है किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए उसको पेमेंट मिलती है जिसको हमने बोला गया है पेंशन. तो आइए देखते हैं पेंशन कितने तरह की होती है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. सो पेंशन हमारे पास दो तरह की होती है जो कि है अनकम्यूटेड पेंशन, अनदर इज कम्यूटेड पेंशन. अब ये होता क्या है, जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है वो हमें पीरियोडिकल मिलती है, जैसे कि साल में मिल गई या महीने में मिल गई ऐसे, या मंथली बेसिस पे मिल गई या आपको पीरियोडिकल बेसिस पे मिल गई, तो इसको बोलते हैं मंथली बेसिस पे. ये आपको ये पीरियोडिकल और कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, जो हमें लमसम में मिल जाए, मतलब इकट्ठी ही मिल जाए पूरी पेंशन जितनी भी होगी अब तक, तो इसको बोलते हैं हम जो हमें इंस्टॉलमेंट में ना मिलकर पूरी एक साथ ही रिसीव हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लमसम पेंशन. तो अब आइए देखते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट कैसा होता है जब अनकमिटेड पेंशन मिलती है किसको, या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट कैसे होता है. या कम्यूटेड पेंशन में इसमें भी सेम, या तो वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो आइए देखते हैं कि वो कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है. तो आइए अब देखते हैं कि अनकमिटेड पेंशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है. अनकम्यूटेड पेंशन तो इसके दो केसेस बन सकते हैं कि एम्प्लॉय या तो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो. तो फर्स्ट हम ले लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो इस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अनकमिटेड पेंशन मिलती है, मतलब मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे कैसे ही, तो इस केस में जितनी भी मिलेगी उसको वो होगी फुली टैक्सेबल, जितनी मिलेगी सारी की सारी वो टैक्सेबल हो जाएगी. सेकंड केस क्या हो सकता है कि वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इस केस में क्या होगा कि उसे भी जितनी भी मिलेगी उसके लिए भी वो सारी फुली टैक्सेबल हो जाएगी. तो आइए अब देखते हैं कि कम्यूटेड पेंशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे. तो अब हम देखते हैं कि कम्यूटेड पेंशन की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है. इसमें हमारे पास दो केस हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो इसमें दो केसेस बनते हैं आगे, पेंशन के साथ उसको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है या नहीं हो रही. तो इसमें कैसे निकालते हैं टैक्सेबल आपकी पेंशन, कि जितनी भी आपको पेंशन मिली है उसमें से हम लेस कर देते हैं 1/3 वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन.
और जितना भी आपका अमाउंट लेस करके आएगा वो होगी आपकी टैक्सेबल पेंशन। और अगर विदाउट ग्रेच्युटी मिलती है तो आपको जितनी भी पेंशन मिलती है वो अमाउंट देना है और लेस करना है हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। और जितना भी लेस करके आपका अमाउंट आएगा वह आएगी आपकी टैक्सेबल पेंशन। तो अब देखते हैं कि फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर मैं इसको रब कर देती हूँ। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकल जाती है, तो जितनी भी आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड हुई है अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन इंटू में 100। तो फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकाली जाती है, जितनी भी आपको कम्यूटेड पेंशन मिली है अपॉन में परसेंटेज जो भी है कम्यूटेड पेंशन का उससे इंटू 100 करेंगे तो आपकी फुल वैल्यू ऑफ पेंशन आ जाएगी। और फिर आप इस फॉर्मूले के को यूज़ करके आप कम्यूटेड पेंशन निकाल सकते हो कि उसकी टैक्सेबल कितनी होती है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम अ कंपनी, ही वॉज एंटाइटल ऑफ अ पेंशन ऑफ ₹4,000 पर मंथ। एट द रिटायरमेंट ही गॉट 75% ऑफ पेंशन कम्यूटेड एंड रिसीव ₹1,20,000। कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ पेंशन इफ ही रिसीव विद ग्रेच्युटी और बी विदाउट ग्रेच्युटी। तो सबसे पहले हमें निकालनी होती है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है कम्यूटेड पेंशन रिसीव अपॉन में परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन इंटू में 100। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी हमें कम्यूटेड पेंशन मिली है वो है 1,20,000 और अपॉन में कितनी परसेंटेज थी 75 into 100। तो आइए इसको देखते हैं कितनी होगी। तो ये है 1,60,000 हमें मिली है। तो अब ये हमें फुल वैल्यू ऑफ पेंशन हमारी निकल चुकी जो कि है 1,60,000। तो अब हम देखते हैं कि कितनी टैक्सेबल है। तो जो इसका पहला केस है वो है विद ग्रेच्युटी। तो जितनी भी हमें पेंशन मिली है सबसे पहले हम लिखते हैं पेंशन कितने मिली है ₹1,20,000 और माइनस करते हैं 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। तो कितनी है वो 1,60,000 का अगर हम 1/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 53,550। हमारे पास आएगा 53,333। इसको अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 66,667। तो ये है आपकी टैक्सेबल पेंशन, टैक्सेबल पेंशन आपकी ये हो जाएगी अगर उसको ग्रेच्युटी के साथ मिलती है। अगर यही हमें मिले विदाउट ग्रेच्युटी तो क्या होगा, जितनी भी हमने यहाँ पे ली थी 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन तो इसमें बस थोड़ा सा चेंज आएगा, उसमें लेनी है हमें 1/2 ऑफ फुल हाफ ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। तो हाफ क्या हो जाएगी इसकी 80,000 हो जाएगी। तो कितना आएगा अब यहाँ पे आएगा हमारा 40। तो 40 हमारी हो जाएगी टैक्सेबल। तो पहले का आंसर कितना है हमारा टैक्सेबल पोर्शन निकालना था हमें 66,667
और बी का है हमारा 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन और पेंशन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था वो हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के मुझे बताइए, जिससे कि मैं आपके सारे डाउट दूर कर सकूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पेंशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ पेंशन कितने तरह के होते हैं, और हमने एग्जाम्पल भी देखा कि जिससे आई होप कि जिससे आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि आपके सहयोग से हम अपने देश और दुनिया को बचा सकते हैं। एंड यस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।